हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसी के जरिए हम पहले समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि एक कंडक्टर है ये, जो इसके अक्रॉस ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है और हमने दिखा रखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा सारा इस कंडक्टर के अंदर, उसका डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। हमारा दिखाने का ये मतलब है, हम ये दिखलाना चाह रहे हैं कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे हैं कि कंसिडर अ कंडक्टर, कंसिडर अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मतलब एक कंडक्टर मानिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इन्फ्लुएंस के अंदर है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे हम लोगों को पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन भी करना है, फॉर्मूला निकालना है। तो देखते हैं कि पहले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। देखिए, किसी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कंडक्टर के अंदर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाइड है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यही हम लोग देख रहे हैं कि क्या कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड अ कंडक्टर। जो भी मूवमेंट होता रहता है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक अनुमान के मुताबिक 1 m³ वॉल्यूम अगर किसी कंडक्टर का लेते हैं तो 10^29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस 1 m³ के वॉल्यूम के अंदर। मतलब 1 m लंबा, 1 m चौड़ा और 1 m ऊंचा एक वॉल्यूम काट कर अगर निकालिए किसी कंडक्टर का, तो 10^29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने छोटे से स्पेस में। तो समझिए कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो वही सारे इलेक्ट्रॉन, जितने सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे, सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी होगा, उसका एवरेज वेलोसिटी को जो होता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए अब देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखते हैं, कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ई लिख चुके हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। फोर्स बराबर क्या होता है, जहां पे अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है तो हम पढ़े हुए कि फोर्स बराबर होता है क्यू ई, जानते हैं एफ भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एफ बराबर क्यू ई होता है। तो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हालांकि बात है कि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, 1 m³ के में हम बताया आपको कि 10^29 फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम एक इलेक्ट्रॉन का ही बात करेंगे यहाँ पे। तो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स होगा, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में इस तरह से इलेक्ट्रॉन लिख दिया, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, एफ क्यू, क्यू है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो Q माइनस E, ये माइनस E लिखने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और फोर्स जो होगा यहाँ पे, फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, उसका डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। माइनस का माइनस लिखने का बस यही मतलब है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑन एन इलेक्ट्रॉन या एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास। तो फोर्स को हमारा दिया हुआ है माइनस ई ई डिवाइडेड बाई एम, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देख रहे हैं फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, एक्सेलरेशन ऑन एन इलेक्ट्रॉन हम देख लिए, पहला दूसरा मान लिए, पहला इक्वेशन इसको मान लिए, दूसरा इक्वेशन इसको मान लिए। अच्छा, अब देखते हैं कि अब लिखेंगे कि
इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम देख रहे हैं यहाँ से हम लिखे हैं इस तरीके से, हाँ चलिए घेर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो यू एवरेज है इसका मतलब हम लिख रहे हैं यू एवरेज इज इक्वल टू जीरो, यू एवरेज इज इक्वल टू जीरो, यू वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो इसके ऊपर दे लिए। रिलैक्सेशन टाइम आप जानते हैं, रिलैक्सेशन टाइम एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस, रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से लिखते हैं, टाउ टाउ इस तरह से लिखते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा अब देखिए कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फ्रॉम फर्स्ट ई ओ एम लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट ई ओ एम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट ई ओ एम इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कि आप जानते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हम भी बराबर ले लेंगे भी डी, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलिए या एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, भी बराबर भी डी ले लेंगे। अच्छा यू बराबर लेंगे इसमें यू एवरेज, जो कि है हमारा जीरो, ये जानते ही हैं आप, ठीक है एक्सेलरेशन निकाल ही चुके हैं, और टाइम ये क्या कहते हैं कि टाइम टाउ है ही, वी डी का हमको एक्सप्रेशन निकालना है, तो चलिए अब पुट करते हैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं, तो वी के जगह पे वी डी डाल दिए, वी डी डाल दिए, यू के जगह पे जीरो, यू एवरेज हमारा जीरो हो गया, एक्सेलरेशन है ई E by M, ये tau, तो VD आ गया हमारा ये हो गया हमारा फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये आपने देख लिया, ठीक है। अच्छा चलिए इस तरह से डिराइव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब आगे देख लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है हमारा बहुत ही छोटा होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देख लिए हम पहले क्या किए इसमें कि एक कंडक्टर में लिए थे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड था, इलेक्ट्रॉन उसके अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, लिखे थे कंसीडर अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इसमें है कि फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन हम निकाले, फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे निकाले, एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर इधर आ जाइए इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यू एवरेज जीरो लिखे, रिलैक्सेशन टाइम ये हो गया हमारा, और यहाँ से हम इस तरीके से इसको घेर दें ताकि पता चले कि मेरे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला, ये हुआ हमारा दूसरा, ये है हमारा तीसरा, इस सीक्वेंस में आपको देखना है, ठीक है। अब देख चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है।
अब आगे करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आगे क्वेश्चन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एक चलिए, तो हमने कहा था कि एक क्वेश्चन करेंगे इस पर, लेकिन चलिए क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक लिंक बताना रह गया था, छूट गया था वो हमसे, वो चलिए हम बताते हैं। ये देखिए कि एक हम लिए हैं, ये हमारा कंडक्टर है, इसके अंदर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन हम दिखाए हैं, और ये लिखे हैं वी डी टी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर। तो वी डी इंटू डी टी, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। वेलोसिटी वेलोसिटी इंटू टाइम ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, जो भी बोलिए। और लिखे हैं कि चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन टाइम डी टी। अच्छा, चार्ज डी क्यू, ये छोटा सा एरिया लिए हैं, छोटा सा जगह लिए हैं, तो चार्ज स्मॉल चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फर्दर डी क्यू इज इक्वल टू एन ए इंटू वी डी, वी डी डी टी इंटू ए इंटू ई, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए है एरिया, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। डी टी इधर ले आए, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी हो गया हमारा, तो डी क्यू बाई डी टी आई होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और एन है जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये है हमारा कि आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी कैसे आता है, ये हम देख लिए, ये इसका डेरिवेशन हो गया मान लीजिए। अच्छा, ये हम देखे थे कि वी डी जो है यहाँ पर माइनस आता था, पर ये मैग्नीट्यूड लिखे है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, वी डी का मैग्नीट्यूड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये। अच्छा, हम जानते हैं कि यू नो यू नो ई इज इक्वल टू वी बाई एल, ये पता है, तो सिर्फ ई के जगह पे पुट कर लेते हैं वी बाई एल। इस तरह का हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ई के जगह पर वी बाई एल पुट कर लिए। अभी ये हमारा एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया, वी डी इज इक्वल टू ई वी बाई एम एल इंटू टाउ, आ गया हमारा ये फार्मूला। अच्छा ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं हमारा, हमको कनेक्ट देखना है, ये एन सी आई टी बुक में या सी वर्मा में भी आपको बताया हुआ है, हमको कनेक्ट करना है इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कनेक्ट करना है रेसिस्टिविटी। आर इज इक्वल टू रो एल वाई, एक फार्मूला होता है, तो रो जो होता है वो किस तरह से आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार देख लीजिए आपकी जो बोर्ड पर लिखा है। चलिए अब करेंगे, लिखते हैं कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये तो आप देख लिया है यहाँ पे एन ई ए वी डी। अच्छा, अब देखिए कि एन ई ए और वी डी का वैल्यू जो है हमारा, वी डी का जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर लेंगे, यहाँ से पुट कर लेते हैं ई वी डिवाइडेड बाई एम एल टाउ। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई और ई एन ई स्क्वायर। अच्छा, और देखिए एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टाउ एम एल, एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टाउ एम एल इंटू भी। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं कि ये हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि अगर हम, ये तो हम जान रहे हैं कि आई बराबर इतना दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम अब भी बराबर लिखना चाहें, इस भी बराबर लिखना चाहें, तो उलट पलट देंगे इसको, इसको पलट कर लिखेंगे एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई बराबर हमारा ये एक्सप्रेशन था, तो भी बराबर हम इतना लिख सकते हैं,
अब आप एक चीज ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसके अंदर का हर एक पार्ट, एम हो, एल हो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो, या रिलैक्सेशन टाइम हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हर चीज कांस्टेंट है। कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दिस टर्म्स आर कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सब कुछ कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट है। तो यहीं से आता है हमारा कंसेप्ट, ये जो V इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू आई, जो आपने देखा है, ये होता है हमारा इज इक्वल टू, इससे हम बोल सकते हैं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो टर्म है एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये हमारा काम करता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो हमारा बीच में आता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है? आर आता है, ये आता है इसमें आर, ये हमारा काम करता है आर की तरह। तो यही एक तरह से एक लिंक था हमारा कि R के बराबर हो जाता है ML डिवाइडेड बाय N E स्क्वायर टाउ। इस फॉर्मूला से हम ये कह सकते हैं ना कि बीच जगह प्रोपोर्शनल टू आई। अच्छा, अब एक जो कांस्टेंट आता है ये R क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ में जो होता है, ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं। R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो V ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर और R लिखते हैं तो हमारा इक्वल टू का साइन आ जाता है। तो ये R जो है हमारा, R जो है R ML इज डिवाइडेड ML डिवाइडेड बाय एनी स्क्वायर टाउ के इक्वल होता है। तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन यहीं से है, ओम्स लॉ यहीं से निकला है, इसी फार्मूला से निकला है, कैटलिस्ट वेलोसिटी के फार्मूला से। ठीक है, तो थैंक यू। आगे एक और क्वेश्चन कर लेंगे इस पर, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है क्वेश्चन, क्लियर करते हैं। एल्युमिनियम वायर ऑफ डायमीटर 0.24 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.16 सेंटीमीटर। द वायर कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर, 10 एम्पीयर का करंट वायर कैरी कर रहा है। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर वायर। कॉपर वायर में पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो कॉपर वायर ये है हमारा, कॉपर वायर का डायमीटर है 0.16 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, करंट हमारा दिया हुआ है 10 एम्पीयर, तो जो जो दिया हुआ है पहले हम वो सब नोट कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है करंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम है, और एक ये गिवन था इसमें कि हम क्वेश्चन लंबा हो जाता है इसलिए इस तरह से लिख दिए कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इतना। तो ये आपका दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर वायर। किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, जानते हैं आप कि पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर होता है रेडियस, यहाँ पे हमको डायमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.08 इंटू 10 to the power -2 का स्क्वायर। -2 इसलिए है क्योंकि सेंटीमीटर में है, मीटर में हम कैलकुलेट करेंगे ऐसा यूनिट में, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। ये आपका आएगा कैलकुलेट करके, आप कीजिएगा खुद से, 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर आएगा आपका। अच्छा, अब हमको दिया हुआ क्या क्या है, एन दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ई हमको मालूम है,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, हमको एन दिया हुआ है 8.4 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, 28 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। और करंट मालूम है, करंट हमको मालूम है कि 10 एम्पीयर का फ्लो कर रहा है। अब हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है क्या, NEAVD, तो VD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, VD बराबर हो जाएगा I डिवाइडेड बाय NEA, ठीक है। करंट है कितना 10 एम्पीयर, तो 10 बाई एन कितना दिया हुआ है 8.4 × 10⁻¹⁹, तो 8.4 × 10⁻¹⁸ × 1.6 × 10⁻¹⁹ ए कितना है 2 × एरिया, कितना है एरिया क्रॉस सेक्शन, इतना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 3.7 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 3.7 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये आप देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल। तो ये याद रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बताया था किस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे EMF, टर्मिनल वोल्टेज वगैरह और इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो थैंक यू।